नमस्कार दोस्तों, मैं सुरसी सोलंकी मिलिट्री वर्ल्ड से। दोस्तों आज हमारे साथ याया भाई है वडोदरा से। सो आज का दिन, मतलब आज ये जो इंटरव्यू उनका हो रहा है वो 2021 में 21 फरवरी के दिन, यहाँ पे गुजरात के लोकल इलेक्शंस हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याया भाई आपका स्वागत है। नमस्ते सुरसिंह भाई। जी सर। और सर आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है? मैं 100% विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। अच्छा, आप दृष्टि बाधित है, आपको 100% कुछ दिखाई नहीं देता अनफॉर्चुनेटली। सर आज इलेक्शन था, आपने भी वोटिंग किया होगा। हाँ जी, सर वोटिंग के दौरान आपको कोई तकलीफ हुई या तो फिर उसके क्या फायदे थे, क्या मतलब कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कहना चाहेंगे? वैसे वोटिंग का एक्सपीरियंस तो हर बार होता है, ऐसा ही रहा। लेकिन मैं जो हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं तो जी उसमें एक ब्रेल बैलेट पेपर होता है कि जी जी जिससे हमको पता चलता है कि भाई किस नंबर पे कौन उम्मीदवार है। तो उसके हिसाब से फिर हम ईवीएम पर वो नंबर ढूंढ के फिर वो बटन प्रेस करते हैं। तो जी इस बार ये ब्रेल बैलेट पेपर नहीं था, तो इसकी वजह से वो नहीं होने के नहीं हो था, इसीलिए हमको ये परेशानी ये हुई कि किसी की हेल्प लेनी पड़ी। हम इंडिपेंडेंटली वोट नहीं कर पाए, डिपेंडेंट होना पड़ा। अच्छा, मतलब ये जो आप वोट किए वो मतलब दूसरे लोग भी देख सकते थे, उसका मतलब ऐसा हुआ? हाँ, वैसे तो मेरे परिवार की मेरी वाइफ ही थी, लेकिन अच्छा अगर कोई नहीं होता तो मुझे किसी के और की हेल्प लेनी पड़ती ना। जी, तो ये लूपहोल्स बोल सकते हैं हम लोग कि ये तो बहुत ही बड़ा लूपहोल्स है। मतलब अगर कोई भी विजुअली हाँ इम्पेयर्ड, अभी विजुअली इम्पेयर्ड अपने गुजरात में भी बहुत सारे हैं, या तो इंडिया में बहुत सारे हैं। अभी देखा जाए तो हाईएस्ट जो डिसेबिलिटी कम्युनिटी है दैट इज विजुअली इम्पेयर्ड ओनली। और अगर ऐसे छोटे छोटे इलेक्शन, इसको हम नहीं बोलेंगे, ये ग्राउंड लेवल का इलेक्शन है, अगर ऐसे इलेक्शन में अगर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का ध्यान नहीं रखा गया तो फिर ये बहुत ही बड़ा घपला है। मतलब ये तो इसको क्या कहेंगे, इसको भ्रष्टाचार भी नहीं कह सकते, लेकिन ये सरकार ने आंख नीति है या तो इलेक्शन कमिश्नर्स की साइड, कमीशन के साइड से कोई लोचा है, या तो लूपहोल है, गैप है, क्या है? ये वैसे सुरसिंह जी सोचा जाए तो एक तरफ से जो विजुअली इम्पेयर्ड हमारे फ्रेंड है ना, वो कभी कभी जब वोटिंग करते हैं तो बैलेट पेपर मांगते नहीं है। अगर उनको पता होता है फिर भी मैं ऐसा समझता हूँ कि वो लेना चाहिए ताकि उनको पता चले कि हम इतने बैलेट पेपर बनाते हैं तो इतने यूजर्स भी हैं हमारे पास। अगर अच्छा ये करते हैं तो फिर उनको ये क्या हुआ कि उन्होंने बनाए थे बैलेट पेपर और बैलेट पेपर की डिमांड कम हुई जो विजुअली इम्पेयर्ड ने वोटिंग किया, तो शायद ये सोच के उन्होंने बंद कर दिए, पता नहीं क्या हुआ वो तो। लेकिन अगर हम जानते भी हैं तो अगर उनके पास से बैलेट पेपर लेंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई मैंने आज जाके ही मांगा, मुझे पता था कि मुझे कहाँ पे कितने वोट करने हैं, सब पता था। या लेकिन मैंने इसीलिए मांगा कि हाँ बैलेट पेपर दो तो मुझे पता चले कि इस बार नहीं। अच्छा, तो जो जिसके पास से आपने बैलेट पेपर मांगा था उनको पता था बैलेट पेपर क्या होता है? हाँ वो तो पता था, लेकिन ओके, मतलब उन्होंने कि कहा है स्टाफ, कि इस बार ब्रेल का बैलेट पेपर नहीं है। मतलब कि स्टाफ अवेयर है, वहां का लोकल सपोर्ट आपको अच्छा है, जहां कहीं भी हम जाते हैं। इनफेक्ट हमने एक ट्वीट भी पढ़ा पुलिस कमिश्नर से वडोदरा के, कि दे आर सपोर्टिंग अ लॉट, एंड इनफैक्ट वो लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट हर बार की तरह। लेकिन दैट इज नॉट, शायद उनका एक पार्ट ऑफ सपोर्ट है, एक दिन के लिए रहता है, लेकिन ये लोग की जो पूर्णतः रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हो या फिर डिसेबिलिटी कम्युनिटी हो या तो फिर एनजीओज हो या तो फिर जो MP MLA या तो फिर गवर्नमेंट हो या तो विपक्ष हो, जितने भी लोग हैं जो लोग वोट लेने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, राइट? और दूसरा एक क्वेश्चन है कि जब इलेक्शन के पहले जब पार्टियां प्रचार कर रही थी, तब किसी ने दिव्यांगों के लिए क्या होना चाहिए ऐसी कोई डिमांड की थी, आपसे पूछा था ऐसा कुछ कि आपके लिए आपको क्या चाहिए? नहीं, मैंने ये सुना कि किसी ने भी आपको ये पूछा नहीं था कि दिव्यांगों को नहीं क्या नहीं 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 चाहिए, पूछा, नहीं राइट? पूछा।
तो अभी ये इतना बड़ा मतलब ये या तो फिर पिछली सरकार सबको बहुत ही हमारे लिए सहानुभूति है, दिव्यांगों के लिए सहानुभूति है, तो फिर ये क्यों मतलब पूछा नहीं जाता है? क्योंकि वी आर लेस वोटर्स, हम लोग वोट बैंक नहीं है इसलिए, या क्या? लगता तो ऐसा ही है कुर्सी में, क्योंकि वोट बैंक में हम कम हैं, या फिर जो हमारे जो लोग हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनमें जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए वो शायद कम है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो शायद कहीं ना कहीं हम लोग मतलब सबसे पहले जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हम लोग बोल सकते हैं, कि वो लोग डिमांड नहीं करते, राइट? वो लोग डिमांड नहीं करते, वो लोग पहले सामने से नहीं बताए कि हमने को ये चाहिए, राइट? हमने सुना कि काफी जगहों के प्रॉपर रैंप नहीं लगाए हैं उन्होंने, या तो फिर टेम्पररी रैंप, लकड़ियों के रैंप लगा के छोड़ दिए हैं। वो भी वो लोग ऐसा करते हैं कि टेरेस पे रखते हैं, या तो फिर किसी कूड़े कचरे में मतलब कैसे किसी ऐसे कोने में रखते हैं, उनको खाली इलेक्शन के दिन पे निकालते हैं और साफ करके वहां पे रख देते हैं, या तो फिर उसके अगले दिनों में बनवा के वहां पे रख देते हैं। वो प्रॉपरली एक्सेसिबल नहीं रहते हैं। इनफैक्ट जो बुजुर्ग लोग लोग होते हैं उनको भी बहुत तकलीफ पड़ती है। जब वहां पे लोकल लोग आते हैं, मतलब लोकल स्टाफ वहां पे जो दिया गया होता है, वो लोग सीरियसली बहुत हेल्प करते हैं। मैंने सुना है काफी जगहों पे ये व्हीलचेयर्स भी उपलब्ध वो लोग करवाते हैं, और स्कूल्स में वो व्हीलचेयर्स नहीं होती है, जबकि वो स्कूल्स में पहले से होनी चाहिए एज अ रूल, मतलब वहां, बिकॉज द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है अपना 2016 का, वहां पे ऐसा प्रोविजन है कि मतलब पब्लिक प्लेसेस मतलब कि स्कूल, वहां पे पहले से ही व्हीलचेयर होनी चाहिए, और जो रैंप वहां पे बनवाते हैं वो एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब ये बहुत ही बड़ा लूप होल है, गैप है। हम लोग ये इंटरव्यू के जरिए ये सरकार को, एनजीओस को, जो डिसेबल लोग हैं उन सबको ये बताना चाहेंगे कि ये गैप है और ये नहीं होना चाहिए। और कुछ कहना है सर आपको? नहीं, बस और तो ये अवेयरनेस ज्यादा करनी चाहिए हमारे लोगों में, और अवेयरनेस अगर होगी तो आगे के जो इलेक्शंस होंगे उसमें हमको ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। सर लास्ट क्वेश्चन, कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए इलेक्शन के दौरान क्या क्या फैसिलिटीज आपके मत से होनी चाहिए? एक तो जैसे सबको सब डिसेबिलिटीज के लिए के लाइन में खड़ा रहना ना पड़े, और बाकी ब्रेल में अगर आ गया तो मैं समझता हूँ कि और कोई जरूरत नहीं है। घर से आने जाने में तो परेशानी नहीं रहती, वो तो वैसे भी जॉब कर पढ़ते हैं या जॉब पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो वो तो अपने आप चले जाते हैं। और ये जो एरिया है वो इतना दूर नहीं है, जो स्कूल या हमको जहाँ वोटिंग करना जाते हैं वो इतना दूर नहीं होता कि हमको परेशानी हो, तो ये तो नहीं होता। लेकिन बस ये ही एक बैलेट पेपर ब्रेल में हो, क्योंकि ईवीएम तो बनाए हैं अच्छे। और हाँ, इस बार वो येलो बटन था, तो येलो बटन मीन्स ऐसा था कि चार बटन दबाकर फिर वोट रजिस्टर करने के लिए हमको येलो बटन भी दबाना था, तो उसके लिए भी जी हमको किसी ने अवेयर नहीं किया था। ओके हालांकि कुछ वीडियोस वायरल हुई थी इसके, लेकिन शायद आपको वो जो पर्टिकुलर एक वीडियो पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंचे नहीं होते, हाँ, राइट? सो राइट। यहाँ पे वस्तुएं उपलब्ध शायद नहीं थी जो जैसी होनी चाहिए थी, जैसे कि बैलेट पेपर। और अगर उपलब्ध है और उसको कैसे करना था प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू, उसके वीडियोस जो या तो वीडियो फिर जो वायरल अवेयरनेस, हुए थे, हाँ, यस, वो वीडियो जो आपको नहीं वायरल मिला। हुए थे ना वो विजुअल वीडियो थे, लेकिन हमको टच करके जैसे पहले बताते थे ईवीएम को स्पर्श करके ऐसे बताना चाहिए, तो हमको पता चलेगा भाई येलो बटन कहाँ पे। दोस्तों ये जो याया भाई ने बताया कि एक्चुअली जो विजुअल वीडियोस थे जिसके जरिए हमको पता चला कि हमको ऐसे वोटिंग करना चाहिए, लास्ट में वो वाला बटन दबाना चाहिए, ये विजुअल जो हम लोग विजुअल जो देख पाते हैं उनको तो पता चल जाएगा, लेकिन जो जो विजुअली इम्पेयर्ड जिनको दिखाई नहीं दे रहा है उनके लिए ये अवेयरनेस लैक थी शायद कहीं ना कहीं, या तो फिर अगर उन्होंने कहीं पे वीडियो बनाए थे तो उनको मिले नहीं, वो एक सत्य है। बिकॉज अगर मिलते तो विजुअल इम्पेयर्ड की कम्युनिटी बहुत एक्टिव है अपने देश में, तो शायद ये चीज मिस नहीं होनी चाहिए। ये वीडियो का पर्पज यही था, ये कि
आने वाले इलेक्शंस में, चाहे वो लोकल हो, स्टेट लेवल पे हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी गवर्नमेंट में हो, देश लेवल के हो, हर जगह पे ये फैसिलिटी अच्छे से मिले। आपको भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये चीज मिसिंग थी, ये चीज होनी चाहिए, तो यहाँ पे कमेंट करिए और ये वीडियो को जितना हो सके फैलाइए ताकि सब लोग अवेयर हो यहाँ से। थैंक यू सो मच याया भाई, हम चाहेंगे कि आपने जो फैसिलिटीज मांगी वो सब आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सुखी जी।